दोस्तों काफी डिटेल से हम फाइवर को डिस्कस करते आ रहे हैं मैं वैल्यूज ऑफ मीटिंग योर टाइमलाइन डेडलाइंस इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्टिव प्रोफाइल गिग के अंदर वो क्या मैजिक ट्रिक्स अप योर स्लीव होने चाहिए वो नहीं होता था तो, पुराने जमाने में मदारी ऐसे करके स्लीव्स के अंदर से एक जादू करके कार्ड निकालता था और लोग तालियां बजाना शुरू होते थे, थे वो भी हमने बातें कर ली विद रिगार्ड्स टू दी एक्स्ट्रा ऑफर विद रिगार्ड्स टू हाउ इफेक्टिवली आप डिस्क्रिप्शन लिखें वीडियो की भी बात कर ली वीडियो सैम्पल भी बना के दिखाया रियल टाइम अब आइए जनाब फीडबैक पे फीडबैक क्यों जरूरी है? सारा काम कर लिया पैसे ले लिए पतली गली से निकलिए एम्प्लॉयर आया दोबारा देखी जाएगी ना आया तुम नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही ये फिनमिना इतना डेंजरस है कि आपको अपनी फील्ड में एक्सेल नहीं करने देगा सताया हुआ हूँ अपनी इस इग्नोरेंस की वजह से अल्लाह पाक का ख़ास फजल व करम था कि बहुत जल्दी समझ गया वरना आज मैं भी कुछ और ही कर रहा होता फ्री लांसिंग तो बहुत दूर की बात मैं करता क्या था प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ एम्प्लॉयर को फीडबैक देता नहीं था एम्प्लॉयर से फीडबैक मांगता नहीं था और देर फोर अगले प्रोजेक्ट की तरफ बिडिंग करना स्टार्ट कर देता था वक्त के साथ रियलाइज़ किया जनाब जब आपका फीडबैक का आर्काइव बढ़ता जाता है ये वो टेस्टीमोनियल हैं जो किसी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने में मदद देते हैं मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और एक गिग की फीडबैक दिखाऊंगा अरे फीडबैक ही तो वो मैकेनिज्म है जो प्राइस के साथ साथ एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करता है कि हाँ प्रीवियस एम्प्लॉयर का, का काम इस फ्रीलांसर ने सक्सेसफुली खत्म किया ही डिजर्व माई बिजनेस जस्ट बिकॉज इसको बहुत अच्छी फीडबैक मिली हुई है ये जरा एक रेंडम फीडबैक किसी एक रेंडम गिग पे देखते हैं कैसी आती है देखो दोस्तों ये एक फीडबैक सेक्शन है ऑफर रेंडम गिग मैं डिस्कलेवर पहले फेंक दूं हवा में मैं इसको जानता नहीं मेरे ऐसे कोई ताल्लुक नहीं लेकिन मैं एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ लगे देखो ये वो नॉर्मल गिग है ना जैसे ऊपर इसकी फ्री लांसर की ऑफर है एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं पिक्चर्स हैं प्राइसिंग है सो एंड सो फोर्थ वो तमाम बेसिक चीज़ें जो एक गिग में होती हैं आइए अब देखते हैं रिव्यूज इन साहब को चार हजार नौ सौ तिरपन रिव्यूज मिले हैं और उनकी रेटिंग फोर पॉइंट नाइन है विच इज एक्सीलेंट ऐसा बहुत कम होता है कि एक फ्री लांसर सदियों काम करे और उसको फाइव स्टार रेटिंग ही रखने पड़े बाय द वे छादिर नादिर एग्जाम्पल आपके सामने हैं फाइवर पे आपने आलियान चौधरी देखा गुरु पे आपने मेरी प्रोफाइल देखी जो कि ऑल फाइव स्टार फीडबैक है जस्ट बिकॉज आई मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल अगर बात एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ख़त्म हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी एन यू नो कोशिश और गुजारिश होती है एम्प्लॉयर से पूछ पूछ के कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए और क्या बेहतरी ला सकता हूं आपके प्रोजेक्ट में और यह एम्प्लॉयर को बड़ा खुश और सेटिस्फाई करता है दोस्तों फीडबैक की इंपॉर्टेंस देखिएगा अब जैसे इनको रैंडम फीडबैक मिली है चार हजार नौ सौ तिरपन लोग यानी कि लगभग पांच हजार लोगों ने इनको फीडबैक दी है अब फीडबैक करती क्या है मैं एज एन एम्प्लॉयर इनकी गिग पे आया किसी भी तरीके से आया सर्च करके आ गया या किसी ने मुझे रिकमेंड किया अब इस फीडबैक पे मुझे इस तरह की फीडबैक नजर आ रही है जैसे क्वालिटी एंड टाइमली वर्क डन टू स्पेक्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ी अच्छी बात खुशाइन बात एक साहब कहते हैं स्लो प्रोसेस बट द जॉब वॉज कंप्लीटेड मैं आपको मिक्स बैक दिखाना चाह रहा हूं कि फीडबैक जहां अच्छी होती है वहां पे फीडबैक नेगेटिव भी हो सकती है आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि एम्प्लॉयर सच बोलेगा दे विल स्पीक देयर हार्ट आउट बाउट देर एक्सपीरियस वि अच्छा थोड़ा और नीचे आते हैं एक साहब कहते हैं जी ऑसम वर्क ग्रेट कम्युनिकेशन वाह जी कम्युनिकेशन ही तो सब कुछ है फ्री लैंसिंग में मुझे एज एन एम्प्लॉयर पता लग गया कि अगर इस फ्री लैंसर की गिग मैं खरीदूंगा इसकी कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आ रही है तो ये मुझे तंग नहीं करेगा जब मैं इनको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा जब मैं इनको अपना प्रोजेक्ट ब्रीफ दूंगा ये मेरी बात समझ बिकॉज दिस गाइज गॉट अ ग्रेप इन द कम्युनिकेशन ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश इसीलिए आधा मिनट लेके समझाने की कोशिश करूंगा इंग्लिश इज द इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज मैं उर्दू में सब कुछ समझा रहा हूं फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर दोस्तों जब आप जाओगे अंग्रेजी में ही काम होता है प्लीज इंग्लिश की कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए शीशे के आगे खड़े होके स्पीच दिया कीजिए मूवीज देखिए रसाले पढ़िए मैगजीन्स यू नो कैटलॉग्स ये तमाम चीजें इंग्लिश वक्त के साथ साथ आपकी इंप्रूव करेगी एक और आखिर में रेंडम फीडबैक देख लेते हैं मैं शो मोर पे करता हूं और यहां पे देखिए जी डिजाइन ओके ग्रेट कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेलर दो देन इज अनदर गाय दैट सेज फास्ट एंड मे बी वन और टू रिविजन रिक्वायर्ड बट इफ यू आर नॉट रशिंग फॉर टाइम दिस इज द गाय अब मुझे जनरल इंप्रेशन मिल गया फीडबैक के थ्रू कि ये साहब जो हैं टाइमलाइन अगर ओके okay है स्टैंडर्ड पैकेज है अगर पाँच दिन उन्होंने क्लेम किया और ये पाँच दिन में ही अपना काम डिलीवर करते हैं ही इज वंडरफुल बट आई एम गेटिंग एन इम्प्रेशन किन बॉयज इज यू नो एडिशनल पैकेज जिसमें पांच दिन का काम दो दिन में करते हैं वहां पे शायद ही इज मिसिंग आउट ऑन टू समथिंग बट एज फार इज द बेसिक यू नो टाइम लाइन इज कंसर्न जो इनके इन स्टैंडर्ड पैकेज है ही इज मीटिंग दोस्म लाइन बॉटम लाइन इज दोस्तों फीडबैक सब कुछ बता देती है आई होप कि अब आपको समझ लग गई होगी कि फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है